भाई धांसू मजे आ रहे हैं मार्केट में आज, बैठे ही बैठे बाइक पे ही बैठे बैठे स्कूटी पे ही बैठे बैठे पूरा दिन निकल रहा है। वाओ, यही तो यादगार है और ये यादगार बनानी है मुझे और वही बना रहा हूँ मैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम तैयारियों से। कल नामकरण है तो आज तैयारी करते हैं और फिलहाल मैं खड़ा हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे कल नामकरण की पार्टी होने वाली है। मेरे पीछे जो ये बेहतरीन जगह है पूरी हरियाली वाली और ये पीछे हॉल। अभी फ़िलहाल टेंट की गाड़ी आई हुई है तो ये सामान उतार रहे हैं। आपको दिखाता हूँ ये कैसी जगह है। ये आवास पास में है चक्रधारी, यहाँ छोटी मोटी पार्टियाँ आराम से हो जाती हैं। तो फिलहाल हमने तैयारियाँ की हुई हैं इस हॉल में और ये है इसका एंट्रेंस। एक बार आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है, हॉल क्या है, कैसा है, एक बार उसका टूर देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेन एंट्रेंस यहाँ का और इसका नाम है चक्रधारी धर्मशाला और ये इसका ग्रीनरी। और फिलहाल जो ये गाड़ी आई हुई है टेंट की, ये अभी सामान रख रहे हैं सब लोग। अब देखते हैं हमने इंतजाम क्या क्या हुआ है। कल थोड़ा मौसम भी ऐसी है बारिश वारिश का, तो सोच रहे हैं कि बाहर टेंट लगवाएं नहीं लगवाएं, लेकिन देखते हैं जैसे भी प्लान बनता है बताते हैं फिर। और इसके बाद सीधे एंट्री होगी अंदर हॉल में, हॉल दिखाते हैं आपको कैसा है। तो भाई टेंट वाली गाड़ी आ चुकी है और ये है वो हॉल जो हमने बुक किया हुआ है अंदर। अभी दिखाते हैं आपको, पहले सामान उतरवा दें। ये है हॉल जिसमें कल पार्टी होने वाली है। पार्टी 200-250 लोगों की हो रही है तो ये हॉल सफिशिएंट है। फ्लोर में भी मैट लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मार्बल है और पंखे ऑलरेडी लगे हुए हैं गर्मी के हिसाब से। और बाकी लाइटनिंग की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, लाइटिंग लगे हुए हैं। एक ये रूम है जिसमें जिसमें कल गोलू बैठने वाली है, इसमें चेयर वेयर डाल के, और इस रूम में कल गोलू बैठने वाली है। और बाकी यहाँ खाना पीना होगा। मेरी आवाज़ साउंड कर रही है, इसमें ईको कर रही है। ये है पीछे वॉशरूम और ये सारे वॉशरूम्स हैं यहाँ पे। ये है इधर भी वॉशरूम, ये शीशा और ये। तो ये है इंतजाम और मुझे लगता है इस हॉल सफिशिएंट कम्युनिटी हॉल। तो यहीं पार्टी हो रही है और बाकी हलवाई लोग अपना खाना का बनाएंगे, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। गाड़ी इन्होंने खाली कर दी है, पूरी टेंट का सामान ये उतार दिया। और ये है हलवाई का एरिया जहाँ खाना वाना बनेगा, ये पूरा हलवाई का एरिया है। सामान भी आ गया है। तो ये पूरा वो एरिया है जहाँ पर खाना बनने वाला है आज रात का। ये पूरा यहाँ मोटर पानी की व्यवस्था भी अच्छी है और ये उनका स्टोर रूम अंदर, इसमें खाना बनने के बाद इस पर रखा जाएगा। और ये मोटर वोटर की पूरी व्यवस्था, पानी वानी की, वेंटिलेशन भी अच्छा है। तो ओवरऑल ये घर के पड़ोस में है और सबसे बेस्ट घर के पड़ोस में जो मुझे लगा वो यही है, इसीलिए हमने इसको बुक कर लिया। तो ये था उस जगह का टूर जहाँ हम पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और बाकी फिर और तैयारियाँ जैसी होती है वैसे आपको दिखाती है। आ चुका हूँ मैं घर और ये सामान लेने आया हूँ फिलहाल, ये वहाँ पहुँचाना है रात को जो मिठाई बन रही रसगुल्ले उसके लिए। और एक एक करके सारे सामान पहुँचाते हैं वहाँ पे धीरे धीरे और फिर उसके बाद जब वो कारीगर अपना काम करेंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। पहला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है सामान ढोने का, इस पर रख के ले आए थे हम अभी 2 कट्टे और इसीलिए मुझे पार्टनर की भी जरूरत थी पीछे पकड़ के बैठने के लिए। एक राउंड और रह गया, अभी फिर जाते हैं घर और फिर सामान ले जाते हैं। चलो फिर गाड़ी चलाता हूँ नहीं तो पड़ेगा। हेलो गाइस, तो दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अब तीसरे राउंड के लिए। और बस हमारा काम यही रह गया अब कि घर से सामान यहाँ पहुँचो, यहाँ से सामान वहाँ। हम ढोने वाले हो रहे हैं सामान, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, छोटा मिनी ट्रांसपोर्ट। ये हमारी स्कूटी है, इससे ही हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है बट ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि वो एक एक करके सामान उतार रहे हैं और हम भी एक एक करके ही लेके आ रहे हैं। VSR ट्रांसपोर्ट कंपनी ये नया खोला है आज के लिए डिपार्टमेंट हमने।
थर्ड और फाइनल तो पता नहीं, फाइनल है नहीं है, लेकिन हालत देखो इसने इतना समर रखा है। ये सिलेंडर दिखा दो नीचे, ये सिलेंडर इतने नीचे, और मैं दिखा दो मैंने एक और क्या रखा है नीचे, ये चावल का कट्टा रखा हुआ है। तो इस वक्त गाड़ी हमारी पूरी पैक हो चुकी है, टाइटली पैक। उसके बाद भी हम ले जा रहे हैं उसे, लाली को तो कुछ दिख भी नहीं था पीछे, चलो कोई नहीं, थोड़ा अंदाजा लगा पहुँचने वाले हैं बस। तो फिलहाल मैं घूम रहा हूँ मार्केट में और पापा के साथ सामान ले रहा हूँ, और जनरली मैं पापा के साथ ब्लॉग नहीं बनाता क्योंकि फिर डांट पड़ जाती है ना, क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा, फोन के साथ खेल रहा है। तो पापा गए हैं अभी दुकान में सामान लेने, और मैंने कहा तब तक चलो शूट कर लेता हूँ कुछ तो अपडेट मिले। तो पापा गए हैं इस दुकान में, हार्डवेयर की दुकान में सामान लेने, और मैंने अभी डेयरी प्रोडक्ट ले लिए है और बाकी पूजा का सामान ले लिया है। बाकी जल्दी से पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ हमारी मिठाई बनने वाली है, क्योंकि उनका सामान हमारे पास ही है अभी। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर, अब घर से फिर सामान उठा के जा रहे हैं धर्मशाला। फैल गया रहता है यहाँ पे है। तो भाई सामान तो मैंने सारा ले लिया, लेकिन कारीगर की ओर से एक रिक्वेस्ट आई है कि गगन ले लो। मैंने पूछा गगन घी, तो कह रहे नहीं गुटखा। तो फिलहाल पापा लाइफ में पहली बार शॉपिंग करने गए हैं गुटखे की, अब उनको पता नहीं होता क्या था, दुकान वाले से पूछ रहे कितने का है, क्या है क्या नहीं। तो फिलहाल की सिचुएशन ये है, काम शुरू हो चुका है। तो फिलहाल मैंने क्या तैयारियां पूरी कर दी, चेयर्स पूरी लगवा दी है ऐसी। तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं, ये आइडिया आते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करके। बहुत सारे इवेंट में मैंने देखा कि लास्ट टाइम पे भगदड़ हो जाती है, और मतलब माइंड में पूरी भसड़ हो जाती है कि अब क्या करें अब क्या करें। तो मैं सोच रहा हूँ जितने काम पहले हो सकते उतने कर लूँ, उनमें से एक काम ये भी है, और ये सब सीखा है मैंने स्कूल से, सो थैंक्स टू स्कूल। और बाकी कुछ चीज़ें बची हैं, अब वो जाते हैं वो पूरे करने के लिए, नाश्ते के लिए। भाई मार्केट का मज़ा तो इसी में है, ये गाने और ये कुल्फी, वाह मैं तेरी जिंदगी। भाई धांसू मज़े आ रहे हैं मार्केट में, आज बैठे ही बैठे बाइक पे ही बैठे बैठे, स्कूटी पे ही बैठे बैठे पूरा दिन निकल रहा है, वाह यही तो यादगार है, और ये यादगार बनानी है मुझे, और वही बना रहा हूँ मैं। फाइनली मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ स्मार्ट पॉइंट, इसके बाद सीधे घर वापस, और मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने भेज रखा है पापा को अंदर, वही शॉपिंग करके लाएंगे। चलो भाई अपनी शॉपिंग तो हो गई, आज स्वीट भी ले लिया। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर, बाकी सारी तैयारी करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, और घर पे देखा तो पहले से ही मेहमान आए हुए हैं, ये मेहमान बैठे हैं, मेहमान बड़ी जल्दी आ गए ये। अब बाकी ये तो घर पे रहते, ये तो मैं बताइए ये लोग घर पे मंडरात रहते अभी। तो चलो फिर घर पहुंच चुके हैं, आज की शॉपिंग और रात का काम निपट गया, अब डिनर करते हैं फ्रेश होके, उसके बाद आराम से लेट के मूवी देखते हैं, फिर कब मिलते हैं देखना, फिर उठा के अभी बटो आगे खाना है। तो आज की तैयारियां हम पूरी कर चुके हैं, अब बची हैं कल की तैयारियां। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और बाकी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो तो अभी एक दो घंटे और चलेगा, और ये लगे हुए हैं, ये भी लगी है, नहीं दिखाया खाना, नहीं दिख रहा देखो इसमें, ये नहीं दिख रहा, अब दिखा, नहीं दिख रहा। तो चलो आज का ब्लॉग यही करते हैं, और मिलते हैं फिर कल सुबह, बाय, टेक केयर।